हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम डिजाइन करने वाले हैं ये वाला पोस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जहां आएंगे और अपने प्रोडक्ट को करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म। यहां आएंगे और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं एलिफ टूल और यहां पे हम बनाते हैं एक शेप। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसके कलर को हम चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई कलर सिलेक्ट करते हैं। हम इसे कॉपी करते हैं और इस वाले लेयर को हम ऊपर लेके आएंगे और इसके कलर को हम चेंज करते हैं। तो इसे लेंगे हम ब्राइट एंड देन हम नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं। एक न्यू लेयर लेंगे और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल और हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इन तीनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करते हैं और इसे हम करेंगे सेंट्रल लाइन। नीचे वाले दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और इनको करेंगे मर्ज। एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ब्राइट कलर, तो हम ये ले लेते हैं और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स। अगेन हम फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स। इस बार हम और ब्राइट कलर लेते हैं और अब हम नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं। एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स। ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और ये कलर और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ब्लेंडिंग मोड हम करते हैं स्क्रीन एंड ओके। फिर से हम इसे कॉपी करते हैं, ओपेसिटी कम करेंगे एंड ओके। अगेन हम फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम सेलेक्ट करते हैं वाइट कलर। साइज कम करते हैं इसे, हम लिख आते हैं ऊपर, साइज इंक्रीज करेंगे और अब हम इस नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन। यहां से हम सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप शैडो, यहाँ पे ओपेसिटी हम कम रखेंगे, एंगल हम चेंज करते हैं, एंगल हम रखते हैं 90, डिस्टेंस हमारा 5 है, साइज भी हमारा 5 एंड ओके। और अब हम इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और इनको कर देंगे हम ग्रुप। बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पर जाएंगे एंड सॉलिड कलर और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं ये एंड ओके। देन हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं और राइट क्लिक करेंगे एंड फ्लिप वर्टिकल एंड ओके। ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे सॉफ्ट, ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके। और अब हम इस ग्रुप को कॉपी करते हैं, साइज कम करेंगे और यहां से हम करते हैं रोटेट। और जो हमारा शेडो है हम इसे हटाते हैं, तो इसके लिए हम यहां पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट लेयर्स ओके। और इसे हम यहाँ पे लेके आएंगे एंड देन हम इसे ऐसे नीचे की तरफ करते हैं एंड ओके। और अब हम इस वाले लेयर को इसके नीचे लेके आएंगे और इसे हम कर देंगे क्लिपिंग मार्क। तो हम इस वाले लेयर को यहाँ लेके आते हैं और यहाँ पे हम ऐड करेंगे लेयर मार्क। ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और इसे सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर एंड गॉजियन ब्लर एंड ओके। इस वाले लेयर को सेलेक्ट करते हैं, फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं एंड ब्राइट कलर और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ब्लेंडिंग मोड हम करते हैं स्क्रीन, ओपेसिटी कम करेंगे
इस वाले लेयर को हम सिलेक्ट करते हैं, रोटेट करेंगे एंड ओके। तो सबसे पहले हम इसके नीचे बनाते हैं शेडो, तो उसके लिए हम लेंगे एक न्यू लेयर, ब्रश टू सिलेक्ट करते हैं और ये कलर हम इसे करते हैं कॉपी, यहाँ लेके आते हैं एंड ओके। इसकी ओपेसिटी कम करते हैं एंड देन हम लेंगे एक न्यू लेयर, एडिट पे जाएंगे, फिल 50% ग्रे एंड ओके। ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे ओवरले, राइट क्लिक करते हैं एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डोज टूल और जहां हमें ब्राइट चाहिए हम वहां पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि इस वाले पार्ट पे। और अब हम यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड बर्न टूल, और जहां हमें डार्क चाहिए हम वहां पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे। और अब हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेते हैं, ब्रश टू सिलेक्ट करेंगे और हम लेंगे यहाँ से ब्राइट कलर, ताकि जो हम यहाँ पे हाईलाइट कर सके, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ब्लेंडिंग मोड हम करते हैं इसका स्क्रीन, ओपेसिटी कम करेंगे, अगेन फिर से हम एक न्यू लेयर लेते हैं एंड ब्रश टू, ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे स्क्रीन, ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके। और अब हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेते हैं और हम सिलेक्ट करेंगे ब्रश टूल एंड वाइट कलर, और यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी करेंगे, परफेक्ट। और जो हमारा ब्राइट कलर है जैसे यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा डालना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टू सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और इस वाले ग्रुप पे भी, तो एक न्यू लेयर लेते हैं फिर से, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करते हैं एंड ओके। इन सभी लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं और नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा शेडो क्रिएट करना, तो इससे हम फिर से कॉपी करते हैं, लेयर मार्क्स ऐड करते हैं एंड ओके। और इससे हम कर देते हैं ग्रुप, देन हम जहाँ पे आएंगे और इसे हम यहाँ से ड्रैगन ड्रॉप करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और यहाँ पे एंड ओके। तो सबसे पहले हम फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर एंड मोशन ब्लर ओके, फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर एंड गॉजियन ब्लर देन ओके। एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे, एक्सपोजर, और यहां से हम करते हैं क्लिपिंग मार्क, और इसे हम करते हैं यहां से डार्क, लेयर पे आएंगे, ब्रश टू सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे एंड वाइट कलर ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे स्क्रीन, ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके। और जो हमारे ये वाला ग्रुप का, हम इसे कॉपी करते हैं राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर पे जाएंगे एंड मोशन ब्लर, एंगल हम रखते हैं -4 एंड ओके। अब हम एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड एक्सपोजर, यहाँ से हम इसे डार्क करते हैं, लेयर पे आते हैं, ब्रश टू सेलेक्ट करेंगे और हम बीच में ब्राइट करते हैं,
एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड कलर बैलेंस। ओके तो फाइनली हमारा आज का डिजाइन रेडी है। आई होप आप सभी को मेरा आज का डिजाइन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।